बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ अकबरी सराय, ये जहांगीर का मकबरा है। तो अभी हम मकबरे के अंदर जा रहे हैं। ये बिल्डिंग सामने मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ की कुछ हिस्ट्री देखते हैं और मैं इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करता हूँ। मकबरा जहांगीर और मकबरा आसिफ अली खान के दरमियान एक अहाता जिसके चारों जानेब कमरों की कतारें हैं, अकबरी सराय कहलाता है। सराय के अहातों के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तरस के दो बड़े दरवाजे जानब शुमाल और जुनूब वाक़ हैं जिनकी आरइश और नक्काशी और गालिबकारी से की गई है। इनकी नक्काशी और तर्ज तमीर से मालूम होता है कि दरवाज़े और अकबरी सराय एक ही वक्त में यानी दौरे शाहजहानी में तमीर किए गए हैं। सराय गालबन ज़ाहरीन के लिए या मकबरे के देखभाल के अमले के लिए बनाई गई थी। सनाए के मगरबी सिमत कमरों के दरमियान तीन शानदार गुमदों वाली एक मस्जिद है जिस पर बैरूनी सिमत संगे मरमर की चढ़ाई से मजीन संगे सुर्ख लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को दीवारी नक्काशी और गालिबकारी से सजाया गया होगा जिसके आसार अब मदूम हो चुके हैं। इस वक्त हम मस्जिद में मौजूद हैं, मस्जिद मकबरा जहांगीर। ये बिल्कुल आसिफ मकबरे के बिल्कुल साथ है, आसिफ खान मकबरे के बिल्कुल साथ। और ये अहाता क्रॉस करने के बाद बिल्कुल सामने मकबरा जहांगीर है, उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। मस्जिद की हालत भी बहुत खस्ता हाल हो चुकी है लेकिन साथ साथ तामीराती काम जारी है। रंजीत सिंह ने अपने दौर में सराय को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके एक गैर मुल्की फौजी अफसर उमस जो कि उमाइस मूसा फरंगी के नाम से भी जाना जाता है, इस सराय में अपनी पलाटून के साथ रहायश पजीर रहा। इब्तदाई अंग्रेज अहद ने सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में तब्दील कर दिया गया था। मुगल शहनशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस लाहौर आते हुए राजौरी के मुकाम पर फौत हुए। उसको मलका नूर जहान के मलकी की वसी और अरीज़ बाग दिलकुशा में दफन किया गया। ये बाग उस वक्त शहर लाहौर से 5 किलोमीटर शुमाली मगरब में रावी के किनारे पर वाक़ था। इसके गिर्द बुलंद फसील बनी थी। मकबरा इसके बेटे और जानशीन शहनशाह शाहजहाँ ने बनवाया। ये मकबरा 1637 में तकरीबन 10 लाख रुपए की खतीर रकम से 10 बरस में मुकम्मल हुआ। मकबरा जहांगीर नहायत खूबसूरत तारीखी इमारत है और लाहौर की तारीखी अजमत का सबूत है। ताजमहल आगरा के बाद ये मकबरा बरेसगीर पाकोहिंद में मुग़लों की लासानी इमारत है। मकबरा जहांगीर मुरबा शक्ल इमारत है जिसकी हर सिमत 267 फिट है। मुरब्बा के चारों अतराफ का दरमियानी हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। मकबरा की इमारत तकरीबन 4 फुट ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाई गई है। इमारत के बैरूनी अतराफ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुर्ख लगाया गया है। संगे सुर्ख के सिलों पर संगे मरमर से आराशी काम किया गया। चारों कोनों पर हश पहलू 5 मंजिला और तकरीबन 100 फुट ऊंचे मीनार हैं जिन पर संगे मरमर और पीले पत्थर से लहराया बनाया गया है। इस इमारत के गिर्द कलबूती छतों वाले बरामदे बनाए गए हैं। इमारत के अंदर की तरफ फूलदार अंदाज में दीवारों पर नक्काशी की गई है। कब्र को संगे मरमर से आरास्ता किया गया है जिस पर कीमती पत्थरों से जड़ाई और अल्लाह ताला के सिफाती नाम कुंदा किए गए हैं। मकबरा को रंजीत सिंह से पहले 3 हुकुमरानों में से एक लंगा सिंह के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ा। खुद रंजीत सिंह ने उसके
खूबसूरत आरशी पत्थरों को उखाड़ कर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे में इस्तेमाल किया। इस इमारत को सिख दौर के हस्पानवी फौजी अफसर अमाइस के बतौर रहशगाह इस्तेमाल किया और बाद अज़ां दोस्त मोहम्मद खान के भाई सुल्तान मोहम्मद खान ने बतौर रहशगाह इस्तेमाल किया, जिनके हाथों इसे मज़ीद नुकसान पहुँचा। हुकूमत बरतानिया ने 1899-90 में इस मकबरे की मरम्मत शुरू की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी मरम्मत का काम वक्तन वक्तन मिर्ज़ा अबुल हसन, जिसका ख़िताब आसिफ खान था, मलका नूर जहान का भाई और ताजमहल आगरा में दफन मलका अर्चमिंद बानो बेगम मुमताज़ महल का वालिद था। शहनशाह शाहजहां की हुकमरानी के 8वें साल उसको खान खानाने और कमांडर इन चीफ बनाया गया और इसके एक साल बाद लाहौर का गवर्नर बनाया गया। आसिफ खान 1641 ईस्वी में फौत हुआ और इसको अकबरी सराय से मुंसलिक बाग में दफन किया गया, जहां पर शाहजहां ने 4 साल की मुदत में 3 लाख रुपए की लागत से ये मकबरा तामीर करवाया। इस वक्त हम मकबरा आसिफ खान के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जी बीवा, इसके साथ ही हम आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज हम, मैं और मेरा बेटा मोहम्मद उमर, हम दोनों यहाँ का विज़िट करने आए थे, तो कुछ हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर की, उम्मीद है वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल राइट विद इमरान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।